नमस्कार मित्रों, देसी व्यायाम में आप लोगों का स्वागत है। आज बताने वाला हूँ हनुमान दंड का सही तरीका। तो आप बहुत सारे भगवान जी के फोटो में देखे होंगे, हनुमान जी के वो इसी पोजीशन में दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है इस प्रकार के, क्योंकि इस प्रकार से जब आप रहते हैं तो आप फोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये है भगवान हनुमान जी का ट्रेडिशनल पोज। तो दोस्तों, पहला तो एक है हनुमान जंप, हनुमान कूद। ये अगर आप करते हैं तो आपके क्वार मसल में स्ट्रेंथ आएगा, आपके काप में स्ट्रेंथ आएगा, प्लस आपका शरीर में फुर्ती आएगा। दूसरा है हनुमान दंड। बहुत सारे लोग हनुमान दंड को गलत गलत प्रक्रिया से बताते हैं। हनुमान दंड करने का सही तरीका है, एक पैर को आगे रख के आपको साधारण दंड मारना है, फिर पैर चेंज करके फिर वही साधारण दंड मारना है, यही है हनुमान दंड। तो हनुमान दंड में सांस भी उसी प्रकार से लिया जाता है, जिन नीचे से ऊपर जा रहे हैं सांस लीजिए, जब नीचे आ रहे हैं सांस छोड़िए, फिर सांस छोड़ते हुए सांस लीजिए। अब आता है आपका हनुमान दंड बैठक। तो हनुमान दंड बैठक के लिए पहले पैर को ऐसे करके एक साइड में जाके आपको ये दंड मारना है। ये है एक्चुअल हनुमान दंड। इसमें आप दंड बैठक, हनुमान दंड बैठक, इसमें आपको शक्ति मिलेगा, वो फुर्ती मिलेगा जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ सकते हैं। क्योंकि हनुमान दंड शक्तिवर्धक दंड है, शक्ति के लिए है, लड़ाई में युद्ध जीतने के लिए है, मल्ल युद्ध हो, कुश्ती हो, उसमें जीतने के लिए है। तो ये स्ट्रेंथ तभी आएगा जब आप ये हनुमान दंड को, दंड बैठक को इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। उसके उपरांत हमारा क्या होता है, हनुमान पूछ। हनुमान पूछ क्या होता है, आपको इस प्रकार से रह के अपने आप को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, जिससे आपका क्या होगा, बैक बोन में स्ट्रेंथ आएगा और आप किसी को भी उठा के पीछे पछाड़ सकते हैं। तो ये चार हनुमान वर्कआउट है, इसको अगर आप करते हैं तो प्रभु हनुमान जी के जैसा आप भी शक्तिशाली बन जाएंगे। जो नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पुराने हैं, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी लोगों का उपकार हो सकता है और आपके लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे प्रेरणा मिलती है वर्कआउट वीडियोस बनाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, यूं ही मेरा साथ देते रहिए और प्रेरित करते रहिए नया वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद मित्रों।